गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज मैं क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ। मशरूम, इधर मशरूम को मैंने ऊपर का स्किन निकाल के ऐसा एक को दो चार डिवाइड करके काट लिया और इधर एक छोटा सा आलू लिया। सबसे पहले मशरूम को कढ़ाई में डाल देंगे, अभी तेल नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पानी निकलेगा। तो सबसे पहले मशरूम को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना पानी है, इसका ऐसे डायरेक्ट सब्जी बनाएंगे ना वो अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको पहले पानी सुखा लेंगे। इसको पानी सूखने देते हैं, तब तक मैं प्याज का। देखिए मशरूम इस तरह से पानी सूख गया है, अभी अच्छे से लाल लाल भी हो गया। अब इसको निकालेंगे, इतना सा हो गया ये, अब इसको निकाल लेंगे। तो प्याज मैंने काट लिया एक बड़ा साइज का, मीडियम साइज एक दो प्याज काटा है, इसको निकाल लेते। इसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के फिर आप लोगों को दिखाएं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा और इधर सब्जी मैंने निकाल लिया, इधर प्याज भी काट लिया है। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं चाहिए। मैं एक आलू डाला क्योंकि ये सब्जी एकदम थोड़ा सा ही है पर इसमें एक आलू डालेगा ना अच्छा लगता है। तो अभी इसमें तेल गर्म हो गया, अभी ये प्याज डालनी है। तेल भी मैंने दो तीन चम्मच ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा तो नहीं चाहिए, इसीलिए अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो प्याज को हल्का सा लाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। आलू भी इसमें डाल देंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा। प्याज को हल्का सा लाल होने देते हैं, नमक मैंने ऐड नहीं किया, थोड़ा टाइम बाद नमक ऐड करेंगे, पहले उसको हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद नमक ऐड करेंगे। आलू और प्याज अच्छे से लाल होकर फ्राई हो गया, अभी इसमें मसाला ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, एकदम थोड़ा सा, जैसे इसका फ्लेवर आने के लिए। इसमें डालेंगे आधा चम्मच इतना मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये जैसे मिक्स हो जाएगा अभी इसमें सब्जी ऐड कर देंगे, मशरूम, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी मसाला मिक्स होने के लिए, इसको मिक्स करके अच्छे से स्लो गैस पे 5 मिनट तक पका लेंगे। ये जो आप लोगों का ऐसा सूखा सूखा दिख रहा है ना, सब्जी होने के बाद एकदम इसका धूप के चेंज हो जाएगा। अब इसको ढाल देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, अच्छे से होने देते। जैसे रेडी हो जाएगा आप लोगों को दिखाएंगे। कल देखते 5-7 मिनट हो गया, मशरूम का हाल क्या है। सिंपल सा सब्जी एकदम रेडी है, देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रोटी के साथ राइस के साथ किसी के साथ भी खाओ, बहुत अच्छा लगता है। अभी ये हो गया रेडी, अभी गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने मसाला कुछ भी नहीं डाला, इसको ऑफ कर देंगे। बस आप लोगों को अगर मशरूम का सब्जी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। Lost in your